गेहूं के फील्ड हैं और अब गेहूं की कटाई हो चुकी है, तो ये फिर जब तक इसमें धान की बुआई नहीं होगी तब तक ये खाली रहेंगे। सारा जितना भी आप दूर दूर तक देखेंगे सारे गेहूं के फील्ड हैं, गेहूं या फिर इधर ये सरसों लगा हुआ था और उसमें गेहूं भी था, तो खाली रहेगा क्योंकि इधर हमारे गांव में खासकर पानी की कमी है। बारिश होती है तभी धान भी होता है, गेहूं भी होता है, अगर बारिश नहीं होगी तो फिर सूखा पड़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे और किसी भी चीज़ की खेती नहीं होती है, बस धान और गेहूं की होती है। और ये सारे जो फील्ड आप देख रहे हैं इसमें धान गेहूं कई वर्षों से हो रहा है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बोया जाता है। मतलब मैंने चना वना तो देखा ही नहीं इसमें बुआई होते हुए, और धान लगता है, गेहूं लगता है, धान गेहूं। तो इस तरीके से एक तरीके का आप कह सकते हैं मोनोकल्चर इन्होंने अपना लिया है और करते रहते हैं। पहले साल 50 किलो यूरिया डालते थे और 100 किलो 150 किलो झोंकते हैं, बस उत्पादन हो रहा है उससे मतलब है। वो भी अच्छा खासा उत्पादन भी नहीं होता है, बहुत कम ही होता है, ज़्यादा इधर जो धान का मैं बता दूं, एक बीघे में अगर बात करें तो इधर एक बीघे में ज़्यादा नहीं 7 या 8 कुंटल इस तरीके से होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। जबकि बाकी दूसरे क्षेत्रों हमारे आसपास के गांव में अगर चले जाएं तो उधर काफ़ी 15-17 कुंटल तक हो जाता है। वो डिपेंड करता है वैरायटी टू वैरायटी भी, लेकिन आप उसमें कैसा क्रॉप मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे पानी दे रहे हैं, कब खाद दे रहे हैं, कितनी मात्रा में दे रहे हैं, वो भी बहुत फैक्टर एक प्रभावित करता है आपके फसल उत्पादन में। तो इसके अलावा धान गेहूं के अलावा यहाँ पे दूसरी भी खेती हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें हमें करना है, समझ रहा ना। बाकी ऐसे ही पड़ी है चारों तरफ, काफ़ी सारी ज़मीनें हैं देख सकते हैं इधर। अगर इसमें अच्छा किया जाए सब्जियों की खेती, सीजनल सब्जियां जो होती हैं, देखो सब्जी लगाते हैं सब हैं, लेकिन जब एकदम पीक समय आएगा टमाटर का तो उस समय आप टमाटर लगाओगे तो 2-4 रुपया किलो तो जाएगा ही, रोड पे फेंका ही जाएगा। और थोड़ा सा उसके पहले लगाओ तो अच्छा होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई फ्रूट्स जैसे अनार इधर हम लोग साइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अनार हो सकता है, हम लोग लीची लगा सकते, सॉरी लीची स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं ठंडियों के मौसम में, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, देना पड़ेगा आप हम लोगों को ही। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर पानी की कमी है तो पानी को बचाने का तरीका हम लोग ढूँढेंगे। इधर इधर एक वो जो बांस आपको दिख रहा है जस्ट उसके पहले एक पहले वो हुआ करता था एक तालाब टाइप का, लेकिन वो भी अब भर चुका है। इधर मैं आपको दिखा दूंगा दूसरे जगह पे हैं, काफ़ी सारे तालाब हैं, मतलब खुदाई करके छोड़ दिया गया है, लेकिन उसमें भी पानी आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि पानी बस उस तालाबों में आपको रिजर्व कब तक आप रख पाएंगे। अभी गर्मी कौन सा महीना चल रहा है, ये अप्रैल चल रहा है और साफ था इधर, अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में ही तालाबों की स्थिति देख सकते हैं। ये देखिए पानी दूर दूर तक नहीं है। पानी को संचय करने का तरीका हम लोगों को पता नहीं है। पहले अगर यह बात करें गांव में बस 15-20 साल पहले जाएं तो इतनी किल्लत नहीं थी पानी की, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हर जगह समरसीबल बोरिंग हो रहा है और अंधाधुंध सिंचाई कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। जब बरसात होता है तो उसमें पानी को रिजर्व करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बस यही बैर उगेगा जो कि जानते ही हैं, जहाँ पानी की कमी वहाँ बैर हो गया, बेल हो गया, ये सारी जो फल हैं बस यही उगेंगे, बबूल आपको दिखेगा, यही सब चीज़ें दिखेंगी। तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।